एशिया के सबसे बड़ी बाजार मंडी एपीएमसी में आज अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि सब्जी मंडी में हुई इस कार्रवाई पर कुछ पीड़ितों ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाजार समिति के अभियंता सिर्फ उन दुकानों पर कार्रवाई करते हैं जहां से उन्हें काली कमाई नहीं होती। सवाल ये है कि क्या एपीएमसी में धांधली का धंधा चल रहा है? देखिए रिपोर्ट। मेरा यही दुकान से मेरा घर द्वार, बच्चे पढ़ते लिखते हैं। अभी मेरा आदमी बीमार रहता है, उसका बहुत सारा दवा है। अभी मेरा दुकान जब गुजर गया तो हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे बच्चा पढ़ाई लिखाई करेंगे? एपीएमसी प्रशासन ने आज कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी के कुछ अवैध दुकानों के साथ ही पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया। हालांकि इस अतिक्रमण कार्रवाई पर एक पीड़ित महिला ने सवाल उठाते हुए एपीएमसी के अधिकारी मिस्त्री पर संगीन आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने कहा कि मिस्त्री ने दुकान बचाने के लिए 1,00,000 की रकम मांगी थी और जब नहीं दिए तो तोड़क कार्रवाई कर दी। महिला ने कहा कि ऐसी ही दूसरी दुकान के लिए एपीएमसी अधिकारी ने उससे 2,00,000 रुपयों की रकम ली है। महिला ने कहा कि दुकान टूटने से उसके परिवार की रोजी रोटी छिन गई है। मेरा यही दुकान से मेरा घर द्वार, बच्चे पढ़ते लिखते हैं, घर द्वार सब चलता है। लेकिन अभी मेरा दुकान जब उजर गया तो हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे बच्चा पढ़ाई लिखाई करेंगे? अभी मेरा आदमी बीमार रहता है, उसका बहुत सारा दवा है, हार्ट का भी है, शुगर का भी है, और दिन भर घर पर बैठा ही रहता है। तो अभी हम लोग किधर से क्या करेंगे? अभी मेरा दुकान उजर गया, अभी हम लोग किधर से बच्चे को इतना खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे? अंदर जन दुकान मेरा बैठा था, वो मिस्त्री ने 2,00,000 रुपया लिए हैं, हमारे से 2,00,000 रुपया लिए हैं और उधर दुकान बैठाने दिया है। अभी ये दुकान के मेरा मांग रहे थे 1,00,000 रुपया, हमारे पास नहीं था, मैं नहीं दिया तो दुकान मेरा उजरवा के लोग फेंकवा दिए बाहर। और मिस्त्री है एक साहब इधर के है, वो दुकान बैठाने के लिए हम दिए थे 15-20 दिन पहले, तो वो दुकान बैठ गया। आया ये दुकान के मेरे से 1,00,000 रुपये मांग रहे थे, तो अभी मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, तो कैसा मैं पैसा किधर से देंगे? फिलहाल इन संगीन आरोपों पर TV1 इंडिया ने एपीएमसी के अधिकारी मिस्त्री से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एपीएमसी के अधिकारी पैसे लेकर मंडियों में अवैध दुकानें लगवा रहे हैं? सवाल ये भी है कि आखिर पैसे लेकर लगाई गई ऐसी दुकानें एपीएमसी में कितनी हैं? जाहिर है आरोप गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।